आप देख रहे हैं शतक आज तक। ड्रग्स केस में बंगाल की बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी को राहत नहीं, 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड। ड्रग्स केस में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी ने लगाया साजिश का आरोप, सीआईडी जांच की मांग की। पामेला ने बीजेपी नेता राकेश सिंह पर लगाया फंसाने का आरोप, राकेश सिंह का इनकार, कहा कोई भी जांच को तैयार। बंगाल में बीजेपी चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का पामेला पर बयान, तृणमूल सरकार में हजारों समर्थकों को झूठे मुकदमे में फंसाया। बीजेपी के आरोपों पर तृणमूल का पलटवार, मंत्री सुजीत बोस बोले अभी तो और भी कई लोग पकड़े जाएंगे। टूलकिट केस में आरोपी दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई खत्म, 23 फरवरी को दिल्ली की अदालत सुनाएगी फैसला। पटियाला हाउस कोर्ट में दिशा के वकील की दलील, जांच में सहयोग के लिए हम हमेशा तैयार। कोर्ट में दिशा के वकील ने कहा पुलिस ने परमिशन दी तो हजारों लोग दिल्ली में आए, मैंने अगर 10 लोगों को इनवाइट किया तो क्या गलत किया। दिशा रवि के समर्थन में अमेरिकी पर्यावरण एक्टिविस्ट अलेक्जेंड्रिया विलासेनॉर ट्वीट में लिखा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन मानव का अधिकार। केरल के मल्लपुरम में पीएफआई ने निकाली हेट परेड, सांकेतिक तौर पर आरएसएस कार्यकर्ताओं को चेन में बांधकर घुमाया, 17 फरवरी का वीडियो वायरल। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक में मुख्यमंत्रियों से बोले प्रधानमंत्री, किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत। पीएम मोदी ने रिफॉर्म को बताया जरूरी, कहा किसानों को आधुनिक तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए रिफॉर्म जरूरी। गवर्निंग काउंसिल की बैठक से नदारद रहे पंजाब और बंगाल के सीएम, वर्चुअल मीटिंग में नहीं लिया हिस्सा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में बिजली के रेट पर वन नेशन वन रेट की मांग की, कहा केंद्र सरकार बिजली की करती है आपूर्ति, लिहाजा सभी जगहों पर एक समान हो बिजली की दरें। नीति आयोग की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया सुझाव, कहा मैन्युफैक्चरिंग पर युद्ध स्तर पर काम करे देश। मुजफ्फरनगर किसान पंचायत में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली हमारे पीएम भी अहंकारी राजा की तरह हो गए। चलती किसान मोर्चा ने केंद्र पर लगाया कम एमएसपी देने का आरोप, कहा गलत तरीके से गणना करके सरकार दे रही है कम एमएसपी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, सरकार से लड़ाई में फसल की कुर्बानी के लिए किसान तैयार, ये कहा। 2 अक्टूबर तक आंदोलन पर किसान नेता बटे, हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह टिकैत ने बयान को बताया है निजी। रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की बुलाई बड़ी बैठक, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। 22 फरवरी को असम और बंगाल दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। गुजरात में स्थानीय निकाय के लिए कल होगी वोटिंग, वोट डालने के लिए अहमदाबाद जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ केरल में 21 फरवरी को बीजेपी की विजय यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी, कासारगोड से शुरू होकर तिरुवनंतपुरम में खत्म होगा मार्च। हरसिमरत बादल ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र, सिख जत्थे को ननकाना साहिब जाने देने की अनुमति मांगी। लगातार 12वें दिन बढ़ी तेल की कीमत, मुंबई में पेट्रोल प्रति लीटर 96.94 रुपये तक पहुंचा। दिल्ली में भी तेल की कीमतों में इजाफा, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हुई 90.58 रुपये, डीजल पहुंचा 80.97 रुपये प्रति लीटर। इंदौर में तेल के बढ़ते दाम के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जताया विरोध। यूपी के सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, ठेले पर मोटरसाइकिल रखकर दिखाया अपना विरोध। तेल की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, वैश्विक बाजार का मूल्य हम नहीं करते निर्धारित, आने वाले दिनों में देश का अपना स्वदेशी पेट्रोल होगा। मुंबई में कोरोना की फिर से तेज रफ्तार पर बीएमसी का सख्त फैसला, 1305 बिल्डिंग सील, 71,000 से ज्यादा लोगों पर असर। मुंबई में 24 घंटे में 897 नए कोरोना के केस, 3 मरीजों ने तोड़ा दम, महाराष्ट्र में 6,281 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 152 नए केस, 1 बीमार की मौत, एक्टिव मामले 1,025। देशभर में कोरोना के 13,993 नए बीमार, 101 मरीजों ने गवाई जान। तेलंगाना में करीमनगर के एक गांव में कोरोना विस्फोट, 30 लोग कोविड पॉजिटिव। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में नाबालिग लड़की की बेरहमे से हत्या, शादी से इनकार करने पर दोस्त ने ली जान। दिल्ली के छावला इलाके में रंगदारी के लिए बदमाशों ने कारोबारी को दफ्तर में घुसकर मारी गोली, काला जठेडिया गैंग के नाम वाली पर्ची थमाकर फरार। इंदौर पुलिस की बड़ी कामयाबी, हथियारों के जखीरे के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार।
सुल्तानपुरी में निकाह से पहले युवती ने फांसी लगाकर जान दी। परिजनों ने प्रेमी के खिलाफ दर्ज करवाया आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे डीएम। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक डॉक्टर ने पत्नी और 2 बच्चों के साथ दी जान। गरीबों के डॉक्टर के रूप में थी पहचान। 17 साल के बेटे को कम सुनाई देने की वजह से समाज में हो रहा था अपमान। डॉक्टर ने पत्नी और 2 बच्चों को दिया इंजेक्शन, खुद का गला घोटा। धनबाद में नाबालिग लड़की को अगवा कर युवक ने किया बलात्कार। परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में 2 नाबालिग युवकों ने ली 5 साल के बच्चे की जान। मजदूरी के पैसे को लेकर बच्चे के पिता से हुआ था विवाद। अलीगढ़ में ज्वेलर के घर बदमाशों का हमला। विरोध करने पर कारोबारी की पत्नी की हत्या। वारदात के बाद प्रदर्शन। जापान की नाओमी ओसाका ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। फाइनल में अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी को 6-4, 6-3 से मात दी। रविवार को खिताबी भिड़ंत में आमने सामने नंबर 1 जोकोविच और रूस के मेदवेदेव। नौवीं बार फाइनल में पहुंचे जोकोविच। 24 फरवरी से पिंगबॉल टेस्ट के लिए तैयार है अहमदाबाद का मोटेरा ग्राउंड। ड्रोन कैमरे में कैद दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शानदार नजारा। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत और इंग्लैंड फिलहाल 1-1 से बराबर। जीत मिलने पर वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के लिए मजबूत होगी भारत की दावेदारी। विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में झारखंड के ईशान किशन का धमाका। मध्य प्रदेश के खिलाफ महज 94 गेंद में बनाए 173 रन। 11 छक्के भी जड़े। आतंक के खिलाफ 16वीं यूएस इंडिया वॉर ट्रेनिंग जारी। बीकानेर में पहली बार मीडियम रेंज के टैंकों का किया गया इस्तेमाल। म्यांमार में विरोधी विचारधाराओं के लोगों ने एक साथ मिलकर सैन्य तख्तापलट के खिलाफ निकाली रैली। 1 महिला की मौत के बाद बढ़ा जनाक्रोश। ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ निकाली गई रैली। मेलबर्न, ब्रिस्बेन और सिडनी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। अब तक संक्रमितों की संख्या 11,13,00,000 के पार। 24,65,000 से अधिक लोग गंवा चुके हैं जान। रूस में 3री घरेलू वैक्सीन को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री ने नई वैक्सीन कोविवैक के सुरक्षित होने का किया दावा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।